दही के मसाले वाली लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने ली है लगभग आधा किलो लौकी, जिसे हमने लंबाई में पतले टुकड़ों में काट के रखा है। बहुत ज्यादा पतले टुकड़े भी नहीं चाहिए, इस तरह से हमें टुकड़े काट के लौकी के रखने हैं। साथ में हमें चाहिए एक बड़ा टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, आधा टीस्पून हींग, एक बड़ा स्पून जो साधारण हमारा खाने वाला चम्मच होता है वो भर के मैंने पंच भगार लिया है। पंच भगार पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जरूर उसे देखिएगा। साथ में मैंने लिया है एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर और दो बड़े चम्मच, ये जो साधारण हमारे खाने वाले चम्मच हैं, ये चम्मच भर के मैंने ताजा मीठा दही लिया है। मीठा इन द सेंस कि ये ज्यादा खट्टा दही नहीं है, ताजा दही है, खट्टा दही हमें नहीं लेना है। और साथ में हमें चाहिए एक हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, एक इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ और एक टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं। कसूरी मेथी डालने से इस सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे हींग और पचफघार। पचफघार डालने से सब्जी पे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। लौकी की सब्जी इस तरह से आप एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए। जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते वह भी इसे बहुत चाव से खाएंगे। सौंफ और जीरा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है और राई भी चटक रही है, पचफघार हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है सब्जी में और अदरक का एक बहुत अच्छा स्वाद आता है, साथ में सब्जी की खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। हल्दी पाउडर को थोड़ा इसके साथ पकने देंगे और बाकी जो मसाले हैं, धनिया, लाल मिर्च और नमक, ये हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे और दही के साथ मिक्स करके अच्छे से इसको फेंट लेंगे और फिर हम ये डालेंगे कढ़ाई के अंदर। ये दही के साथ मैंने इन मसालों को डाल दिया है, इससे क्या होगा कि मसाले दही के साथ एकदम मिक्स हो जाएंगे और मसालों के जलने का डर नहीं रहेगा। हल्दी हमने पहले डाल दिए क्योंकि हल्दी पक जाएगी थोड़ी सी और सब्जी में बहुत अच्छा कलर देगी। ये सारे मसाले भी हम डाल देते हैं कढ़ाई में और आंच को बिल्कुल कम रहने देंगे और इन मसालों को हम फटाफट से इस तरह से भून लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। एक चम्मच इसमें पानी डालेंगे ताकि दही जो है वो जले नहीं, फटे नहीं। थोड़ी देर इसको इसी तरह से हम दबा दबा के चम्मच की बैग से इस तरह से फ्राई करेंगे। और अब इस मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि दही जो है इसका जो पानी जो है वो बिल्कुल सूख ना जाए और तेल जो है मसाले से अलग हो जाए। आंच को हम मीडियम लो रखेंगे और लगातार मसाले को हिलाते रहेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। दही एक बहुत ही अच्छी खटास भी देगा इस सब्जी के अंदर और इसलिए हम इस सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और पचफघार के साथ दही का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि सब्जी की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। दही के साथ पचफघार जब हम लगा के तड़का लगा के हम बनाते हैं सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये बहुत सिंपल सब्जी है, आप रोजमर्रा बना के खा सकते हैं या कभी कोई ऐसे गेस्ट आए आपके यहाँ जो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनके लिए आप ये सब्जी बनाइए, बहुत शौक से खाएंगे। आप देख सकते हैं मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो गया है, बहुत अच्छे से हमारा मसाला मिक्स भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे और कसूरी मेथी डालते ही इस सब्जी में अलग ही खुशबू आने लगी है। घी, दही, पचफघार और कसूरी मेथी बिल्कुल जैसे हलवाई खाना बनाते हैं ना शादियों में, तब जो खुशबू आती है बिल्कुल वही खुशबू इस दम मेरी किचन में हो गई है। और
अब हम इसमें डाल देते हैं लौकी। लौकी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई लौकी। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग आधी कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। लौकी खुद भी पानी रिलीज करती है, तो लौकी के गलने के लिए जितना पानी चाहिए हम उतना ही पानी इसमें डालेंगे। कढ़ाई को कवर कर देंगे लिड से और लौकी के गलने तक हम इसको पकाएंगे, आंच को थोड़ा कम कर देंगे। सब्जी को पकते हुए लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं, तो मैं एक बार सब्जी को उलट पलट कर देती हूँ। बीच बीच में सब्जी को हिलाना बहुत जरूरी होता है ताकि बराबर सब्जी सब चारों तरफ से गल जाए। और अभी लौकी थोड़ी हार्ड है, हमें इसे और पकाना है। वापस हम ढक के रख देते हैं और लौकी के गलने तक हमें इस सब्जी को पकाना है। आंच को हम मीडियम लो रखेंगे। लगभग 7-8 मिनट और हो गए हैं और अब हम सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। लौकी का कलर एकदम चेंज हो गया है, लौकी गल गई है। आप इस तरह से दबा के देख लें, बहुत आराम से लौकी कट रही है। लौकी हमारी गल चुकी है और ये सब्जी हमारी बनके एकदम तैयार है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। गैस को कर देती हूँ बंद। लीजिए लौकी की सब्जी तैयार है। बहुत टेस्टी लौकी की सब्जी बनके तैयार हुई है, बिना लहसुन प्याज के। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स वाली ये सब्जी है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। और इसको गार्निश करने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। ये लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है हमारी लौकी की सब्जी। इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, चपाती या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। आप इस सब्जी को जरूर एक बार ट्राई करें और अगर अच्छी लगे तो ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज कुकबुक।